सो गाइस, सेफ यूएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर हमें दो कंट्री का नंबर मिलता है, लातविया और अजरबैजान का। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इन दोनों कंट्री का नंबर आपको इस एप्लीकेशन में कैसे मिलेगा, जो कि इसमें अभी नंबर मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज जब आपको दिखाई दे डिस्प्ले ओवर द एप्स का, तो आपको सेफ यूएम एप्लीकेशन को फाइंड करके यहाँ से एक परमिशन को आपको इनेबल कर लेना होगा। डिस्प्ले ओवर द एप्स का ये ऑप्शन जो है यहाँ से डिसेबल रहता है, तो आपको क्लिक करके इनेबल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जा रहा है आप लोग को परमिशन यहाँ से दे देना होगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा। नीचे साइनअप का एक ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, तो आपको सबसे पहले एक यूजर नेम डालना होगा जो कि एक वैलिड होना चाहिए, और पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड का जो ऑप्शन बना हुआ है तो पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड में सेम टू सेम एक जैसा ही पासवर्ड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से मैं कोई भी एक पासवर्ड रख लेता हूँ जो कि 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। नीचे सबमिट का एक ऑप्शन बना हुआ है, सिंपल आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे भाई यहीं आकर फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको नंबर नहीं मिल पाता। बिगिन टू यूज का जो ये ऑप्शन बना हुआ है ये इनेबल है, चलिए हम यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एरर दिखाई देता है, किस तरह इसको आप फिक्स करेंगे वीडियो में आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर दिखाई दिया, लेकिन प्लीज़ ट्राई अगेन का ऑप्शन फिर से इनेबल हो चुका है। चलिए हम यहाँ फिर से ट्राई करते हैं, क्लिक करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर नहीं दे रहा है। फिर से हम प्लीज़ ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं अपना पासवर्ड और लॉगिन यूजर नेम डालने के बाद, आपको यहाँ पर 3 से 4 बार प्लीज़ ट्राई अगेन के ऊपर क्लिक करते रहना है। ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से साइन अप हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट फ्री जो वीडियो एड्स का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके एक एड को वॉच करना होगा। यहाँ से जो भी परमिशन मांगा जा रहा है आप अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में आता हूँ तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो मुझे नंबर मिला है वो लातविया कंट्री का मिला है, और यहाँ पर एक्सपायर भी बताया जा रहा है कि आपके डिवाइस से ये जो नंबर है कितने देरी में और कब तक एक्सपायर हो जाएगा। चलिए इस नंबर को मैं कॉपी करता हूँ और देखते हैं कि ये नंबर किस किस एप्लीकेशन में वैलिड है। तो हम सबसे पहले व्हाट्सअप में ही चेक कर लेते हैं कि व्हाट्सअप में ये नंबर वैलिड है या फिर इनवैलिड है, ठीक है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। व्हाट्सअप ओपन करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये नंबर वैलिड है या फिर इनवैलिड। एग्री एंड कंटिन्यू पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि लातविया होना चाहिए। 371 अगर हम सर्च करते हैं तो डायरेक्ट वही कंट्री हमें देखने को मिल जाता है। 371 लातविया कंट्री निकल कर आ चुका है। चलिए उस नंबर को हम पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, जब आप कॉपी करते हैं तो यहाँ पर पूरे कंट्री कोड के साथ ही नंबर कॉपी हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पेस्ट करें तो स्टार्टिंग का 371 जो कंट्री कोड होता है उसको आपको कट कर लेना होगा। कट करने के बाद नीचे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट का एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वैलिड है या फिर इनवैलिड। सो गाइस, एक चीज़ मैं बता दूं कि 80% जो नंबर होते हैं यहाँ पर वैलिड होते हैं, आप लोग देख सकते हैं वो वैलिड है। हम इस नंबर से अपना व्हाट्सअप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके नहीं बताऊँगा। मैंने आपको बता दिया कि सेफ यूएम एप्लीकेशन में आप अनलिमिटेड नंबर कैसे ले सकते हो।